हेलो दोस्तों, आज हम चीज वड़ा पाव बनाएंगे। उसके लिए हमने दो पाव लिए, एक कटोरी बेसन, उबले हुए दो आलू को हमने मिला लिया है, प्याज, कड़ी पत्ता, मिर्ची, चीज, हरा धनिया, सेंगदाने की चटनी, नमक, हरी चटनी। अब बनाना शुरू करेंगे। अब हम बेसन को फेंट लेंगे, इसमें हल्दी डालिए, थोड़ा थोड़ा नमक, थोड़ा पानी, ज़्यादा पतला नहीं करना। अब हमने बेसन को अच्छे से मिला लिया है, आलू की सब्जी बनाएंगे। पैन गरम हो चुका है, अब हम इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे, राई डालेंगे, जीरा डालेंगे, मिर्ची, कड़ी पत्ता, प्याज। इसे थोड़ी देर पकने दीजिए। प्याज हो चुका है हमारा, अब थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, धनिया पाउडर थोड़ा डालेंगे, गरम मसाला थोड़ा डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक, हरा धनिया। अच्छी तरह से इसे मिलाइए। अब हम उबले हुए आलू डालेंगे। इसे अच्छे से मिलाइए। हमारी सब्जी हो चुकी है, तेल गरम हो चुका है, अब हम वड़ा बनाएंगे। अब इसे पलटा लेंगे, दूसरी साइड से पकाएंगे। बड़े हो चुके हैं, अब हम इसे निकालेंगे। अब हम पाव को चटनी लगाएंगे। अब हम शेंगदाने की चटनी डालेंगे। अब उसके ऊपर वड़ा रखेंगे। चीज डालेंगे। पलटा लेंगे। अब हमारा वड़ा पाव तैयार है। आप भी एक बार बना के देखिए, खाइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।